बस कैसे उम्मीद है क्या सो खैरियत सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उस रेसिपी का नाम है पंजाबी मछली का शोरबा। बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है और फिश की हर रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हड्डियाँ मजबूत करती है, आँखों की बनाई तेज़ करती है, आपके बालों को भी लंबा और घना करती है। बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, इसलिए आपको चाहिए कि मछली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें। विंटर आ चुके हैं, इसलिए आपको चाहिए कि रोज़ फिश इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 से 2 बार तो फिश का यूज़ ज़रूर करना चाहिए आपको और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सारी मछली के शोरबे की हम करेंगे मैरिनेशन। यहाँ हमने 1 kg फिश ले ली, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, इसे मैंने नमक और सिरके के साथ अच्छी तरीके से धो लिया। इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद चीज़ें। पंजाबी मछली के शोरबे की हम कर रहे हैं मैरिनेशन। अब यहाँ ऐड करेंगे 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। 1 teaspoon हमने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 teaspoon, नमक 1 teaspoon। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 teaspoon। अंदर ऐड करेंगे 1/2 teaspoon पिसी हुई अजवाइन। 1/2 teaspoon हमने इसमें अजवाइन डाल दी है, इससे मछली की स्मेल ख़त्म होती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। हम मसालों को उस मछली के डाल देंगे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से। हमने मछली को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया तवा मसालों के साथ। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। 3 घंटे के ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इसका लुक। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं कि पंजाबी फिश को हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था 3 घंटे के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। इसको हम करेंगे फ्राई। फिश को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 by 1 करके फिश के पीसेस। हमने एक साइड से कुक कर लिया, इसके हम साइड को करेंगे चेंज। दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे इसको फ्राई। 3-3 मिनट फिश को करें अच्छी तरीके से फ्राई दोनों साइडों से। देख सकते हैं फिश के स्लाइसेस को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह तमाम बैच को फ्राई कर लेंगे, इसका दिखाएंगे इसका लुक। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं हमने फिश को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसके हम बनाएंगे ग्रेवी। यहाँ देख सकते हैं मछली शोरबा बनाने के लिए हमने पोट लिया, पोट के अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया। वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे इसमें। इसके अंदर ऐड करेंगे 4 साइज की प्याज थी जिसे हमने चॉप कर लिया है, देंगे गर्म हुए ऑयल के अंदर। देख सकते हैं कि पंजाबी मछली का शोरबा बनाने के लिए हमने प्याज ऐड कर दी थी, ये फ्राई हो रही है, इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारी फ्राई होती जा रही है, कलर चेंज होता जा रहा है। अंदर ऐड कर देंगे 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 tablespoon ऐड कर दिया। अगेन 2 tablespoon हमने इसमें ऐड कर दिए, 2 tablespoon हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से कुक करेंगे। देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सकते हैं 1 पाव टमाटर लिए थे जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको हम ऐड करते हैं इसके अंदर। 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। अब देख सकते हैं टमाटर को कुक करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, 2 teaspoon रेड चिली पाउडर या अपने टेस्ट के मुताबिक, 2 teaspoon धनिया पाउडर। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 teaspoon हल्दी पाउडर। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 teaspoon नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड कर देंगे हम 1 teaspoon जीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मछली, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हसब ज़रूरत। यहाँ हमने पानी इसमें ऐड कर दिया, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। तमाम स्पाइसेस डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। हाँ देख सकते हैं पंजाबी फिश का शोरबे का मसाला अच्छी तरीके से भुनता जा रहा है और ऑयल सेपरेट होता जा रहा है, मजीद भुनना है इसको। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं पंजाबी मछली का शोरबे का जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 2 कप पानी। यहाँ हमने 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे कुक करेंगे। आ जाने तक हम इसे कुक करेंगे, बॉयल आता है फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि पंजाबी मछली के शोरबे के अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई हुई हुई मछली। तो
माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं हमने फिश को उसमें ऐड कर दिया है फ्राई हुई भी। इसे हम सब 5 मिनट कुक करेंगे कवर करके। 5 मिनट कुक करते हैं फिश को, उसका 5 मिनट कुक करने के बाद सबको दिखाएंगे इसका लुक। देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं पंजाबी मछली के शोरबे को उसका कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सारी मछली का शोरबा रेडी हो चुका है। तब हम ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत हरी मिर्चें। यहाँ हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं हसबे ज़रूरत। अब हम मज़ीद गार्निश में ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत बारीक कटा हरा धनिया जो हर रेसिपी को 4 चांद लगाता है। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ क्योंकि अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है। इसका दिखाई मछली का शोरबा रेडी हो चुका है। अब इसको सर्व करने का फिर आपको दिखाएंगे इसका लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं कि पंजाबी फिश का शोरबा हो चुका है कम्प्लीट रेडी। से हमने गार्निश करा हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होता है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, संतोष हो सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।